अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे वी विल डू द रिवीजन ऑफ अलजेब्रा। सो लेट्स ओपन पेज नंबर 142। हमने चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 8 से हमने चैप्टर नंबर 11 तक काम किया है। वो सारा काम था अलजेब्रा से रिलेटेड। तो अब हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर नंबर 11 के दौरान में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, हमने अब उनको रिवाइज करने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट एंड डिटरमिन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हेन ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू -1/2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मीन्स के इन तीन क्वेश्चन में हमने सबसे पहले इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। उसके बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसमें हम ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, बी की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू -1/2। और हमने इनके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 ए बी स्क्वायर सी एक ब्रैकेट में हमारे पास, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है 3 ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। जब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 2 6। अब a और a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराना है। तो हमने ये कहा था कि जब हमारे पास इसकी जो पावर है वो 1 है और इसकी पावर 2 है, जब हमारी बेसिस सेम होती हैं तो मल्टीप्लाई में पावर्स जो होती हैं ऐड हो जाती हैं। तो इट मींस जब a a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। इसका आंसर क्या आएगा, a मीन्स के बेस एक 1 टाइम लिखनी है और पावर्स को ऐड करना है 2 1 3। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 इसकी पावर है, उसकी पावर 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 क्यूब। नेक्स्ट देखें, बी स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन वही बेस 1 टाइम आएगी और पावर्स को ऐड करते हैं 2 एंड 1 3। सी सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, इट मीन्स पावर 1 और 1 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर। इसके बाद जो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू -1/2, वो हमने यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप वो लिखेंगे, इफ़ ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू -1/2 देन 6। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बाय पुटिंग गिवन वैल्यूज़। तो एक वैल्यू हमें क्या गिवन है, 2, तो हम यहाँ डाल देंगे 2 और इसके ऊपर लिख देंगे क्यूब। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, बी क्यूब है तो बी की वैल्यू है हमारे पास 1, उसके ऊपर भी क्यूब लिख देंगे। इसी तरह सी की वैल्यू है हमारे पास -1/2, उसके ऊपर भी हम लिख देंगे स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 2 का क्यूब निकालना है हमने। 2 क्यूब किस चीज़ के इक्वल होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ 3 टाइम, 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8। तो 2 क्यूब जो होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, 8 के, तो हम यहाँ लिख देंगे इसकी जगह 8। 1 क्यूब इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ 3 टाइम, 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1, तो ये जो भी पावर हो वो 1 ही आएगा। यहाँ देखें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर है ना, इट मीन्स माइनस का भी स्क्वायर है, -2 टाइम आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 ज़र हमने क्या कहा था, 4 होता है, तो यहाँ लगा देंगे 4। अब ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 8 ज़र 48 को 1 से करें तो तब भी 48 ही आएगा, डिवाइडेड बाय क्या है, 4। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 ज़र 4 एंड 4 2 ज़र 8, यही आएगा ना यहाँ पे, तो आंसर क्या आ गया, 12। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व हो गया। इसी तरह आपने इसका सेकंड और थर्ड पार्ट जो है सॉल्व करना है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, डिटर्मिन द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन हमें गिवन है, 2a, यहाँ लिख लेते हैं,
जो काम हमने चैप्टर नंबर 8 में किया था, ये सेम वही काम है। पहले हमने इस वैल्यू को ब्रैकेट के इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इसी वैल्यू को हमने इस ब्रैकेट से इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। तो क्या लिख लेंगे, 2a मल्टीप्लाई 3b, दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस, यहाँ लगा देंगे प्लस 2a इंटू सी। ठीक है, अब 2 3 6, यहाँ पे दोनों ऑपोजिट टर्म है तो हम लिख लेंगे ए बी, क्योंकि कोई भी ऐसी नहीं है जिनके बेस सेम हो और पावर्स ऐड हो। तो हम लिख लेंगे 3 2 6 ए एंड बी प्लस 2, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1 है, 2 1 2 एंड ए सी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे कोई वैल्यूज़ नहीं दी कि हमें कोई वैल्यू लास्ट पे ऐड करनी है, इट मीन्स सिर्फ हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस देखना है। तो नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स हैं, हम ये काम पहले डिटेल में एक्सरसाइज 8 में कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 8 में, तो आप ये मल्टीप्लाई पहले कर चुके हैं। जस्ट आपने ये तीनों जो हैं इस वैल्यू को इस और इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इस वैल्यू को आपने इसके तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, और 3a² को ब्रैकेट की हर एक टर्म से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये तीनों क्वेश्चन भी आपने होमवर्क नोटबुक पर करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई, इट मीन्स कि हमें पहले इस नंबर को इन ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना है, फिर हमने इस नंबर को इस ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करवा के जो भी हमारे पास ग्रुप सॉल्व हो रहे होंगे एडिशन में, हमने उन्हें सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं, हम सबसे पहले 2a³ को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 इट मीन्स यहाँ पे 1 है, 2 1 2। अब अगेन देखें बेसिस सेम और पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, a इंटू 3 एंड 3 6। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन है, 2 1 2, a की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 एंड 2 5, a है इस पावर 5 प्लस 4 2 8। अब यहाँ पे कोई हमारे पास a की कोई वैल्यू नहीं, इट मीन्स ये वैल्यू हमारे इसके साथ मेंशन कर दी जाएगी, यहाँ पे इसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस साइन, यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस साइन। अब 2 को इस ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, 2 a, इस a की पावर क्या हो जाएगी, 5 प्लस 2 7 प्लस 5 2 10, a की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 5 एंड 1 6। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 1 है तो 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रहेगा, और a एज पावर 5 जो है एज इट इज़ लिख ली जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ऑफ कर देंगे, 2a 6 माइनस 2a+8a³ प्लस, अब प्लस साइन है इट मीन्स ये एज इट इज़ आएगी, अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो हम ब्रैकेट के इनसाइड पे जो भी वैल्यूज़ होते हैं उनके साइन चेंज कर देते, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है तो हमें इसे एज इट इज़ ही लिखना है। अब हमने क्या करना है, हमने ए की सबसे हाईएस्ट पावर देखनी है, तो ए की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2a⁻⁷, तो हमें इसे पहले लिखना है, उसके बाद इससे लोएस्ट पावर 6 होगी, तो 6 से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, एक ये है और एक ये वैल्यू है, 10 प्लस 2 12, 12a⁶। उसके बाद फिफ्थ पावर है, फिफ्थ में देखें एक -2a⁵ एंड +2a⁵। जैसे हम कहते हैं अगर हमारे पास प्लस टू हो और हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ जाए 2, तो हमारे पास क्या बच जाता है, अगर प्लस 2 में से सब्ट्रैक्ट हो जाए 2 तो हमारे पास 0, यानी हमारे पास 2 रुपये और 2 रुपये ही कोई ले ले। इसी तरह अगर सेम वैल्यूज़ दो ऑपोजिट साइन के साथ हों तो वो क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है वो टर्म। उसके बाद आते हैं हमारे इसके लोएस्ट पावर सिर्फ ये बच गई है, हम लिखेंगे 8a³, इसे हमने a के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, सबसे पहले a की हाईएस्ट पावर, देन उससे लोएस्ट एंड लास्ट लोएस्ट। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। तो देखिए ये जो था अभी मैंने सॉल्व किया है, आपने इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट जो है करना है। इस तरह आज आपका होमवर्क क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है आपने अपनी नोटबुक पे
लिखना है।